संगम नगरी प्रयागराज के कटरा इलाके में बेखौफ बदमाशों ने 6 लाख से अधिक की लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने कर्नलगंज के कटरा इलाके में सरिया का व्यापार करने वाले 2 व्यापारियों को टारगेट करते हुए तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। लूट की पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में भी कैद हो गई है। क्या है पूरा मामला? हम दुकान बंद करके यहाँ से अपने ज्वेलरी शॉप पर गए तो हमारे स्टाफ ने बताया कि वहाँ पर नकाबपोश बदमाश असलाह लिए उन्होंने हमारे पर हमला किया और वहाँ जो पैसा था उसको लूटा और लूटने के बाद चले गए। कितना पैसा लगभग लूटा? लगभग 5,000 रुपये। 5,000 रुपये आप ही की दुकान से लूट हुई कि और भी? हमारे दुकान के बाद ये बगल की दुकान में आए। परिचय बता दें। मैं ललित मोहन गुप्ता, प्रोप्राइटर। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा रहा। मौके पर SSP समेत तमाम आला अधिकारी भी पहुंचे और घटना का जायजा लेने के साथ ही 3 अलग-अलग टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश में लगा दिया। सर क्या है पूरा मामला आज? ये गुलाटी रोड पे शाम को दुकान बंद होने के लगभग टाइम होता है, उसी टाइम इन दो दुकानों पर 3 लड़के बताए जा रहे हैं मोटरसाइकिल से अपाचे से आए थे और एक दुकान पर उनको बहुत पैसा निकला 5,000 रुपये और एक दुकान पर लगभग 6 लाख रुपये बता रहे हैं लेकर के यहाँ से चले गए हैं। मुंह बंद किए हुए थे और अभी इसके बारे में कुछ जानकारी मिल रही है हम लोग को, उस पर काम कर रहे हैं और शीघ्र ही नाम। फिलहाल पुलिस की टीम लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश में लगी हुई है। जल्द ही घटना का अनावरण कर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। पंजाब के CCTV के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।